नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आज का प्रेरक प्रसंग, जिसका शीर्षक है संत और कंजूस सेठ। एक संत थे अमरनाथ जी, वो हमेशा प्रभु ईश्वर के गुणगान में लगे रहते और लोगों को भी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन होने का उपदेश दिया करते थे। लोग उनके उपदेश को सुना करते थे और उनसे प्रेरणा भी लिया करते, और इस तरह से उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। उनकी भक्ति का गुणगान सुनकर एक सेठ संत अमरनाथ जी से मिलने पहुंचे। वो सेठ बहुत ही धनी थे, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उस सेठ के लिए पैसे के अलावा सब कुछ बेकार था, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, छल करना। सेठ को संत अमरनाथ का शांत स्वभाव देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने संत से पूछा कि आपकी आप इतने बड़े संत हैं, फिर भी आप इतने शांत और निश्चलता के साथ कैसे रह पाते हैं? आपको कभी पैसे का लालच नहीं होता? आप अपने इस आनंदमय जीवन का राज कृपा करके मुझे भी बताइए। संत अमरनाथ जी ने कहा कि ये सब बातें छोड़िए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आपकी एक सप्ताह बाद मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात सुनकर बेचारे सेठ जी के दिल दिमाग में सन्नाटा छा गया। सेठ भय से डर के मारे व्याकुल हो गए। मृत्यु को समीप जानकर उनका सारी वासनाओं और लालच से दिमाग हट गया, और उनकी सारी वासनाएं और सब लालच समाप्त हो गया। उन्हें अपने जीवन के सब झूठ, छल, कपट याद आने लगे और उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। वो उखड़े मन से घर की ओर लौटे। उनका बर्ताव पूरा बदला बदला सा था। कोई कुछ भी बात करता तो सेठ भी प्रेम पूर्वक उससे बात करते। वो धीरे धीरे ईश्वर भजन में रुचि लेने लगे। उनके मन में था कि अब कुछ ही दिनों की तो जिंदगी बची है और इतना सारा धन दौलत क्या करूंगा, ये सोचकर ईश्वर भजन में वो खोए रहते थे। वो ईश्वर भक्ति में खोए हुए अंतिम दिन में अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। तभी संत अमरनाथ जी उनके पास पहुंचे और सेठ से बोले, क्यों सेठ जी, अब पता चला कि मैं इतना निश्चल कैसे रहता हूं? सेठ को अपना जवाब मिल चुका था।